हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर का नाम है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप, यानी प्लांट पानी को कैसे एब्जॉर्ब करता है। एसेंट ऑफ सैप का मतलब है कि उसके अंदर उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी पौधे के अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो पहले वाले पार्ट के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पानी जो पौधे के आसपास प्रेजेंट होता है, राइट, उपस्थित होता है, उनमें से कितना पानी वाटर जो प्लांट है वो एक्चुअल में एब्जॉर्ब कर सकता है या कितना यूज़ कर सकता है, और कितना पानी प्लांट के किसी काम का ही नहीं है। तो इसके लिए वाटर को हम अलग अलग टाइप के वाटर में डिवाइड करते हैं। जैसे किसी एरिया में बारिश हुई है तो काफ़ी सारा पानी तो बहकर निकल जाता है ना। वो बहने वाला पानी को हम हिंदी में तो अपवाहित जल कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं रन अवे वाटर, कि ये तो बह गया, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है रन अवे, तो दूर निकल जाता है पानी। फिर दूसरे टाइप का पानी आता है सॉइल वाटर या मृदा जल। ये वो पानी होता है जो सॉइल होती है ना, मिट्टी, वो अपने अंदर होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से मिट्टी गीली रहती है काफ़ी समय तक, है ना। तो ये होता है सॉइल वाटर। फिर अगला वाटर होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर का क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में जो पानी प्रेजेंट होता है ना, ये वाला जो ये खाली स्पेसेस के थ्रू केशिकात्व से चढ़ता है, ये वाला पानी कहलाता है कैपिलरी वाटर। प्लांट्स यही वाटर, यानी यही केशिकात्व जल या कैपिलरी वाटर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी बातें इससे पहले, एक मिनट, जो चौथा टाइप का वाटर होता है वो होता है ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्व पानी या गुरुत्व जल। ये जल क्या होता है, जब पानी किसी मिट्टी पर आता है तो वो या तो बहकर चला जाता है, थोड़ा सॉइल होल्ड कर रहे थे, और बाकी जो मिट्टी के अंदर बैठता है पानी, वो पानी सारा ग्रेविटी की वजह से नीचे ज़मीन के तल में जमा हो जाता है। उस जल को हम कहते हैं गुरुत्व जल या ग्रेविटेशनल वाटर। तो ये सारी बातें तो वैसे भी हमने 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे ये सारी बातें काम आने वाली है, इसलिए दोबारा से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो प्लांट के लिए कौन सा वाटर यूज़फुल है, कैपिलरी वाटर। इसके बाद प्लांट में रूट होती है ना, हम सभी को पता है प्लांट में जड़ें या रूट्स होती है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। इन जड़ों या रूट्स में भी भिन्न भिन्न या अलग अलग पार्ट्स या रीजन होते हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे। उससे पहले हमें यह पता है कि बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, शैवालों से लेकर बड़े पेड़ तक, बड़े ट्रीज तक, यानी एंजियोस्पर्म्स तक, सभी प्लांट्स होते हैं, पर उन सब में अपना अपना वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पाया जाता है। जैसे शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंजाई में नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगी। इनमें क्या होता है, जो सेल होते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनमें जो सेल्स होते हैं वही पानी और मिनरल्स का यानी खनिज पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन या अवशोषण कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में राइजॉइड्स या फिर मूलाभास नाम की संरचनाएं पाई जाती है जो रूट्स नहीं होती, पर रूट्स जैसा काम करती हैं इसलिए इन्हें मूलाभास कहते हैं। तो ये वहाँ पर वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। और इससे बाकी हायर प्लांट्स में टेरिडोफाइट से लेकर जिम्नोस्पर्म्स तक जो सारे प्लांट्स हैं, उन सभी में वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य एक वेल डेवलप्ड सुविकसित रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र या मूल तंत्र करता है। अब इसके बाद हम रूट को देखते हैं। रूट के अंदर बेसिकली दो रीजन होते हैं, एक तो यंग और एक मैच्योर, यानी एक तरुण क्षेत्र और एक परिपक्व क्षेत्र। हम सबको पता है कि ये अगर अर्थ लेवल है यानी भूमि की सतह और इसके नीचे रूट ग्रो हो रही है, तो ये ऐसे ग्रो होती है, राइट। जो सबसे नीचे वाला ये जो इतना पार्ट है ये यंग है, और ये जो पीछे जो मोटा पार्ट रह गया वो पुराना यानी मैच्योर या परिपक्व या प्रौढ़ पार्ट है, यानी बूढ़ा पार्ट है, राइट। तो ये दो पार्ट्स होते हैं। इन दोनों पार्ट्स में जो ये मैच्योर रीजन होता है ना ऊपर वाला, ये कोई काम का नहीं होता, ये पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इनमें जो कोशिकाएं होती हैं उसकी सारी सेल की वॉल, उन सारी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति या सेल वॉल इम्परमिएबल होती है, यानी अपारगम्य होती है, यानी जल उसके आर पार नहीं जा सकता, ऐसी होती है। अब ये इम्परमिएबल की क्वालिटी
उस कोशिका में आई कैसे या उस कोशिका की भित्ति में आई कैसे, ये क्वालिटी आती है लिग्निन नाम के सब्सटेंस के जमाव के कारण, जिस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, लिग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? लिग्निफिकेशन। उसके साथ साथ सुबेरीन नाम का सब्सटेंस भी जमता है या उसका भी जमाव होता है, तो उसके जमाव की प्रक्रिया कहलाती है सुबेरीनाइजेशन, या हिंदी में हम इन्हें कहते हैं काष्ठा भवन और सुबेरीनीकरण। तो लिग्निन और सुबेरीन नाम के दो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से कोशिका भित्ति कैसी हो जाती है, अपारगम्य। ठीक है, इसके बाद ये जो यंग या तरुण क्षेत्र है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। इन पार्ट्स को हम इससे स्टडी करते हैं, ठीक है, इस डायग्राम से। ये वाला रीजन क्या है, भूमि की सतह। तो ये ऊपर वाला तो हो गया मैच्योर भाग, जो कोई काम का नहीं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर ये नीचे वाला भाग है यंग, ये काम का है। तो नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी, राइट, जो ऐसे इसको कवर कर रही है। इस भाग को हम कहते हैं रूट कैप या मूल गोप। क्या कहते हैं? रूट कैप या मूल गोप। इसका क्या काम होता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करता। हमें पता है मिट्टी के अंदर कई बार पत्थर या बड़े कण होते हैं ना, जिससे इतने सॉफ्ट पार्ट को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आगे तो नई जन्मी कोशिकाएं होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनका रक्षण करने के लिए ये मूल कैप या रूट गोप पाया जाता है। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव प्रकार की होती है और टर्मिनल यानी अंतस्थ छोर पर उपस्थित होती है। इसके बाद ये जो पीछे का रीजन आता है, इसके ठीक पीछे, इतना भी हम मान सकते हैं, ये क्या कहलाता है, रूट एपेक्स या मूल शीर्ष। इसके ठीक पीछे वाला, ये वाला पार्ट, इसका क्या काम होता है, यहाँ पर ऐसी सेल्स पाई जाती है जो लगातार डिवीजन करती रहती है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें लगातार विभाजन का गुण पाया जाता है, वो तो विभाजोतक कोशिकाएं कहलाती है, या क्या कहलाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। और इन्हीं इसके इसी गुण के वजह से क्या होता है, इसे जोन ऑफ सेल डिविजन यानी कोशिका विभाजन का क्षेत्र कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। ये कैसा है, सब टर्मिनल क्षेत्र, टर्मिनल यानी अंतस्थ छोर के ठीक पीछे वाला क्षेत्र, तो सब टर्मिनल रीजन। इसके बाद ये जो रीजन आता है, ये कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ की कोशिकाओं का क्या काम होता है, अपनी लंबाई में वृद्धि करना, जिससे मूल की लेंथ यानी लंबाई बढ़े, इसलिए इसको इलोंगेशन का क्षेत्र, क्योंकि ये लंबा करती है। हिंदी में क्या कहते हैं, दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र। फिर आता है रूट हेयर रीजन, ये वाला रीजन, यहाँ पे ये जो ग्रीन लंबे लंबे ऐसे आउटग्रोथ नजर आ रहे हैं ना, ये कहलाता है रूट हेयर रीजन। यहाँ पर क्या होता है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय हेयर्स पाए जाते हैं। कैसे, एक कोशिकीय संरचना क्या हो जाएगी, ये एक सेल है और इसके अंदर ये आउटग्रोथ निकली हुई है, तो ये तो हो गया एक कोशिकीय। और अगर मल्टी सेलर स्ट्रक्चर है तो ऐसे करके मल्टी सेलर स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये दोनों टाइप के हेयर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर यूनिसेलर हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये हेयर्स ही क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन का जो मेन काम होता है वो इन्हीं हेयर्स के द्वारा होता है या इन्हीं रोमों के द्वारा होता है। इस रीजन को क्या कहते हैं, मूल रोम क्षेत्र। क्या कहते हैं, मूल रोम क्षेत्र। फिर सबसे पीछे वाला भाग जो काम का नहीं है, उसे हम रीजन ऑफ मैच्यूरेशन कहते हैं, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन या परिपक्वन क्षेत्र या प्रौढ़ क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, लिग्निफाइड होते हैं या सुबेरीनाइज होते हैं, यानी लिग्निन और सुबेरीन का जमाव होता है इस क्षेत्र में। तो ये तो रूट का इंट्रोडक्शन हो गया, पानी कौन सा काम आता है ये हो गया। अब हम देखेंगे कि पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यानी किस विधि के द्वारा जल का अवशोषण हो रहा है।